दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय दी रोज ऑर्किड वर्ल्ड स्कूल पांवटा साहिब। पांवटा साहिब के रामपुर घाट में रेत बजरी माफियाओं द्वारा पुलिस जवान से मारपीट की गई। इस दौरान माइनिंग इंस्पेक्टर संजीव कुमार का अपहरण कर लिया गया, जिसकी शिकायत पुरुवाला थाना में दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक बुधवार देर रात करीब 3 बजे रेत बजरी माफिया पांवटा से यमुना नदी के रास्ते से अवैध सामग्री उत्तराखंड पहुंचा रहे थे। माइनिंग विभाग और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो रेत बजरी माफिया उन पर जानलेवा हमले करने का प्रयास करने लगे। गनीमत ये रही कि माइनिंग विभाग और पुलिस विभाग जान बचाने में कामयाब हो गए, पर पुलिस का एक जवान लहूलुहान हो गया। वहीं माइनिंग इंस्पेक्टर का रेत बजरी माफियाओं ने अपहरण कर लिया, जिसको 1 घंटे के बाद छोड़ा गया। पुलिस स्टेशन पुरवाला के अंतर्गत मानपुर देवड़ा रामपुर घाट जो यमुना एरिया है, वहाँ पे रात को पुलिस और माइनिंग विभाग की टीम चेकिंग के लिए गई थी, जिस पे वहाँ पे कुछ उत्तराखंड के लोग जो कि स्कॉर्पियो में आए और उन्होंने वहाँ पे हाथापाई की और जो माइनिंग इंस्पेक्टर थे उनको साथ ले गए थे गाड़ी में, तो और कुछ देर के बाद उनको छोड़ दिया था आधे के घंटे के बाद। तो जैसे ही वापस आए हैं वो स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी और जैसे ही वापस आए तो उनके स्टेटमेंट के ऊपर FIR दर्ज की गई है और अभी इन्वेस्टिगेशन में जारी है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। लोकतंत्र के पक्षधर, अपराध रहित और देश प्रेम से प्रेरित नागरिक जन एकता पार्टी की हिमाचल प्रदेश राज्य कार्यकारिणी, जिला व खंड स्तरीय कार्यकारिणी और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार बनने के लिए फेसबुक आईडी anilukd7@gmail.com और janektaparty.com या मोबाइल नंबर 9758059500 पर संपर्क या मैसेज करें। राजनीतिक रुचि व योग्यता रखने वाली युवा पीढ़ी विशेष आमंत्रित है।